ओके बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15 है. इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू ए, दैट इज़ ए एन की लिमिट ए दी हुई है, देन आपको दिया हुआ है कि ए एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. मतलब जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो नेगेटिव नहीं है, वो जीरो या जीरो से बड़ी हैं. तो आपको शो करना है कि जिस जो उसकी लिमिट होगी, जिसको वो कन्वर्ज कर रहा है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. सेकेंड पार्ट में उसका उल्टा है, नेगेटिव सीक्वेंस की टर्म्स दी हुई हैं, नेगेटिव एंड जीरो, और आपको शो करना है कि जो उसकी कन्वर्जिंग लिमिट होगी वो भी या फिर नेगेटिव होगी या फिर जीरो होगी. तो फर्स्ट पार्ट करवा दूंगी मैं, सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना होगा, जैसे उसका उल्टा करना है. थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगी, फोर्थ पार्ट आपको खुद करना होगा. थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि इफ़ ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है, सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं ए एन वाली वो बी एन से लेस है या इक्वल है, तो जो इसकी लिमिट आएगी वो भी बी से लेस होगी. इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ, ए एन कन्वर्जेस टू ए, डेफिनेशन लगा दो. प्रूफ क्या करना है आपको, ये गिवन है, आपको प्रूफ करना है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करवाऊंगी. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में मैं एज्यूम करूंगी जो ए है वो जीरो से बड़ा नहीं है, जीरो से लेस है. इसका उल्टा बनेगा, जीरो से स्ट्रिक्टली लेस, ठीक है. सो एज्यूम दैट या सपोज दैट ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो. सिंस ए एन इज ग्रेटर कन्वर्जेस टू ए, सो देयर फॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन माइनस ए, ये डेफिनेशन लगा दी, ये मॉड खोल दिया. अब अपसाइलन बेटा जो होता है ना, वो आप पे, उसकी चॉइस आप पे होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो अपसाइलन आप यहाँ पर चूज़ कर लें, पॉजिटिव नंबर चूज़ करना होता है, और जितना मर्जी छोटा चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर आप चूज़ कर लें, क्योंकि ए नेगेटिव था ना, तो ए नेगेटिव है तो माइनस ए पॉजिटिव होगा, तो माइनस ए चूज़ कर लें अपसाइलन को, ठीक है. कोई लिमिट नहीं होती अपसाइलन को, आप बड़ा ले सकते हो, बट स्मॉल, हाउ एवर स्मॉल यू कैन टेक, दैट इज़ अप टू यू. तो ये इतना हो गया आपके पास. अब आपके पास यहाँ आ गया ए एन, यहाँ पर पुट कर दे माइनस से ए माइनस माइनस ए टू ए, और ये चीज़ बन गई ए माइनस ए, कैंसिल होके जीरो. सो ए एन लाइज बिटवीन टू ए एंड जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. मतलब ए एन जो है वो जीरो से लेस आ गया, बट ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस आवर अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो चुकी है. लेस देन जीरो नहीं है, फिर वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है. इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट आप पे छोड़ रही हूँ. थर्ड पार्ट में ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन, ए एन माइनस बी एन इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो गया. लिमिट अप्रोच करवा दो. तो ये अगर सीक्वेंस ये है ए एन माइनस बी एन, ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, तो जो उसकी लिमिट आएगी वो भी लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगी. तो अब आप इसकी लिमिट क्या निकालो, लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी ए और इसकी लिमिट होगी बी. सो ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी हो गया. फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर लो, जस्ट उसके साइंस उल्टे करने हैं, और कुछ तो है नहीं है. नोट कंसीडर द सीक्वेंस ए एन, वेयर ए एन दिया हुआ है 1/n. तो आप ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, मतलब पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सारी जीरो से बड़ी होती हैं. हेयर जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है जीरो को. तो इन्होंने कहा हुआ है कि अगर सीक्वेंस की टर्म्स स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ी हों, तो रिजल्ट कहता है कि जो कन्वर्जेंस की लिमिट है वो जीरो भी हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है. नेगेटिव नहीं होगी फॉर श्योर, लेकिन जीरो भी आ सकती है. उसका एक एग्जांपल है ये वाला, जहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स तो स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ी थी, लेकिन कन्वर्जेंस की जो लिमिट आई है वो इक्वल टू जीरो आई है. सो इधर होता है, इधर जीरो से बड़ी आ जाएगी कन्वर्जेंस की लिमिट या इक्वल टू जीरो आएगी. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपके पास है आर्टिकल नंबर 16, सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल. सैंडविच थ्योरम होती है जिसमें आपके पास तीन सीक्वेंसेस होते हैं, ए एन बी एन सी एन. ए एन सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो बी एन और सी एन के बीच में आ रही हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल टर्म्स ये रिजल्ट है. और आपको दिया हुआ है ये जो बी एन है ये भी एल को कन्वर्ज कर रहा है, सी एन भी एल को कन्वर्ज कर रहा है. यू नीड टू शो दैट जो ये सेंटर वाला सीक्वेंस है ए एन, ये भी एल को कन्वर्ज करेगा. तो सबसे पहले डेफिनेशन लगा दो ए एन और सी एन पर, सॉरी बी एन और सी एन पर. फॉर गिवन यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर आएगा फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एम वन एम टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट. अब ये एम वन एम टू लिया हुआ है, एम वन लिया हुआ है बी एन के लिए, एम टू लिया हुआ है सी एन के लिए, ठीक है. तो दोनों के लिए अलग अलग नेचुरल नंबर्स ले लिए आपने, इतना आ गया. अब एम वन एम टू का मैक्सिमम ले लो, क्योंकि एक रिजल्ट होल्ड हो रहा है एम वन के लिए, दूसरा होल्ड हो रहा है एम टू के लिए. मान लो बी एन वाला एम वन के लिए होल्ड हो रहा है, सी एन वाला एम टू के लिए होल्ड हो रहा है. तो उनका कॉमन पार्ट क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा जो भी दोनों में से बड़ा है, जो भी दोनों में से बड़ा है दैट इज मैक्सिमम है. अब मुझे तो पता नहीं एम टू बड़ा है, तो मैंने वैसे ही प्लॉट कर लिया. तो एम वन एम टू में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको एम नाम दे दो, और दोनों रिजल्ट इस पोर्शन में होल्ड होंगे. मतलब कि बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन,
फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, और सी एन के लिए भी हो जाएगा। इस मॉड को खोल दो इतना आ गया, इस मॉड को खोल दो इतना आ गया। अब आपके पास बेटा ये मॉड, ये इनइक्वालिटी है, ये है, और एक जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो ये है, ठीक है। तीनों को इकट्ठा करना है, पहले सेंटर वाली लिख दी जो क्वेश्चन में दी हुई थी। बी एन किससे लेस है, बी एन लेस है एल माइनस एप्सिलॉन से। सी एन किससे बड़ा है, एल प्लस एप्सिलॉन से। साथ में क्या आ गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। अब आप क्या करो, आप सिर्फ बीच में ए एन लिखो और इधर से एल माइनस एप्सिलॉन लिख लो और इधर से एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। इसको मॉड की फॉर्म में लिख दो, ये डेफिनेशन बन गई आपकी कन्वर्जेंस की टू द लिमिट एल। इट मीन्स ए एन कन्वर्जेंस टू एल। दिस इज योर स्क्वीज प्रिंसिपल और यू कैन से सैंडविच थ्योरम।